बाइनेंस और वजीरेक्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वजीरेक्स का जो इतना बड़ा हैक हुआ है इसको भी लेकर एक नई अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ अभी बात चल रही है। अभी आपका कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। और बाइनेंस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लॉन्च पुल आ रहा है। इससे पहले हमने नॉट्स कॉइन का देखा, डॉक्स कॉइन का देखा, कैटिजन का देखा, हैम्स्टर कॉम्बैट का देखा, और अभी एक और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट अभी बाइनेंस के ऊपर आने वाला है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बनाए तो प्लीज़ वॉफ्टवुड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टवुड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले वजीरेक्स की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कमेटी ऑफ क्रिएटर्स यानी कि COC, तो ये कमेटी तो अभी बन चुकी है जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे 10 ट्रांच बनाए गए, 10 ट्रांचेस में से 10% का टोटल क्लेम था, जिसमें से 1% नंबर ऑफ ईच ट्रांच के मेंबर्स सिलेक्ट किए गए रैंडमली। तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्डेंट है जो कि सिलेक्ट किए गए उनमें से ही टोटल यहाँ पे 10 कमेटी ऑफ क्रिएटर्स मेंबर्स बनने वाले हैं, जो कि यहाँ पे सलाह देने वाले हैं, ये टोटल रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी काम करने वाले हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो डिसीजंस हैं इनके भी लिए जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, यानी कि सीधा सीधा पैसा वापस कर देना चाहिए वजीरेक्स को, जो हमारा INR है वो वापस कर देना चाहिए, एटलीस्ट जितना हमारा INR इन्होंने होल्ड किया है। लेकिन INR इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हमारा इन्होंने क्रिप्टो रोक के रखा हुआ है। क्रिप्टो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि बुलरन चल रहा है और बुलरन में हम अपना क्रिप्टो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, अपना क्रिप्टो वजीरेक्स से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ना तो हमारा पैसा वापस मिल रहा है और ना ही हम उसको ट्रेड कर पा रहे हैं। तो अभी फाइनली क्या किया है कि वजीरेक्स के फाउंडर्स अभी गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ मिले हैं, जो कि टोटल $235 मिलियन का क्रिप्टो हैक हुए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इनसाइड जॉब की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि ये अंदर के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे वजीरेक्स में हैक किया या करवाया है। तो एसेट्स का 45% हैक हुआ है, जो कि अभी तक भी नहीं पता चला है कि किसने हैक किया है। तो वजीरेक्स के फाउंडर्स ने अभी जो मीटिंग करी है वो 8 से लेकर 10 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ करी है, जिसमें FIU भी आता है यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IB भी आता है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTAIN टीम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ वजीरेक्स ने मीटिंग करी है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी है वो है FIU, जो कि यहाँ पे देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है इसके पीछे सस्पेक्ट कौन है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, खासकर आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है या फिर वजीरेक्स को जो हेल्प मिलने वाली है वो टेक्निकल एजेंसीज के द्वारा ही मिलने वाली। तो वजीरेक्स करंटली जो काम कर रहा है वेब सिक्योरिटी फर्म जीरो शेडो के साथ काम कर रहा है और फाइनेंशियल एंड रिस्क एडवाइजरी फर्म के रोल के साथ भी काम कर रहा है, ताकि पता चले कि ये जितने भी एसेट्स स्टील किए गए हैं, हैक हुए हैं, ये कहाँ पे गए हैं, किसने किए हैं। लेकिन अभी तक भी कुछ सामने नहीं आया या फिर वजीरेक्स की तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर अभी तक आई ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ आप देख सकते हो कि वजीरेक्स एक्सचेंज की ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो चुकी है, जो कि इतनी बड़ी लाइबिलिटी है यानी कि 45% जो एसेट्स अभी मिसिंग है उसको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो वजीरेक्स का जो अभी प्लान है ये 52 से लेकर 55% क्रिप्टो एसेट्स वापस करने का है, जो आने वाले 6 महीनों के अंदर करने वाले हैं। तो यही आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि 55% तक के एसेट्स जो हैं वो वापस हमें कर सकते हैं, जो कि हमें सच में मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट हम इतनी उम्मीद लगा सकते हैं कि चाहे 100% नहीं लेकिन उसका आधा तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं वजीरेक्स के बारे में। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि स्क्रॉल के नाम से बाइनेंस लॉन्च पुल आ रहा है और इसी के साथ प्री मार्केट भी आने वाली है। लॉन्च पुल आ रहा है यानी कि आप यहाँ पे FDSD और BNB दोनों को स्टे कर सकते हैं, स्टे करके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड में स्क्रॉल कॉइन मिलने वाला है। तो स्क्रॉल कॉइन कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है, बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे कि पहले आपने हैमस्टर जैसे कॉइन्स या फिर कैटिजन जैसे कॉइन्स देखे तो ये उन कॉइन्स में से एक नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में एक रियल प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जिसका खुद का यूज़ केस है। इथेरियम एक्सटेंडेड के नाम से इसको जाना जा रहा है। लीडिंग जीरो नॉलेज रोल अप है स्केलिंग इथेरियम फॉर गुड, यानी कि इसका इथेरियम का Layer 2 है। तो इस प्रोजेक्ट में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ मुझे पैसा नहीं मिलता है ये सब बोलने का, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का प्रोजेक्ट होता है, 2-3 दिन में जितना ज़्यादा आपको फ्री में कॉइन्स मिल जाएँ उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे BNB पूल और FDST पूल, ये दोनों पूल्स आपको मिलने वाले हैं और लगभग 8 घंटे के बाद फार्मिंग शुरू हो जाएगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद हो सकता है तब फार्मिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी हो। तो इसमें साथ के साथ ही अपने FDST एंड BNB स्टे कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जाता कुछ नहीं है बल्कि उसके बदले में स्टेकिंग करने के बदले में फ्री में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है SCR कॉइन की, ये सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन ही है, और इन्होंने 5.5% ही टोटल टोकन सप्लाई का रखा है, जो कि 55 मिलियन SCR है। तो ये जो SCR है ये सिर्फ बाइनेंस लॉन्च पूल के द्वारा ये हमें देने वाले हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन का प्रोजेक्ट है, 2 ही दिन में हमें कितने कॉइन्स मिल जाएंगे आई एम नॉट वेरी श्योर, तो बहुत कम कॉइन्स मिलने वाले हैं एक्चुअल में। और अगर वैल्यू ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है, या फिर अगर हम बोले कि सप्लाई जो रिवॉर्ड के लिए रखी गई है, फार्मिंग के एयरड्रॉप के लिए रखी गई, अगर वो कम है, तो उसका मतलब यही है कि हमें बहुत छोटा अमाउंट मिलने वाला है। तो जिस कारण आप इसको अभी से ही स्टे कर सकते हो, यानी कि आप इस चीज़ को डिले मत करो, सुबह तक की वेट मत करो, आप अभी के अभी इसको स्टे करके रख दो, ताकि 2 दिन की पूरी फार्मिंग हो जाए और फार्मिंग का जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको मिल ही जाए। तो इसकी फार्मिंग आप मिस मत करना। स्क्रॉल की आप अगर वेबसाइट के ऊपर जाओगे scroll.io, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑलरेडी आपको बताया कि ये जीरो नॉलेज रोलअप है, बाय बिल्डर्स एंड फॉर बिल्डर्स के नाम से ये इन्होंने बनाया हुआ EVM प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स एंड ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी इन्होंने रखी है, यानी कि इसके ऊपर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वेब 3 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। और इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स हैं, और मेननेट लॉन्च लाइव स्ट्रीम भी ये करने वाले हैं, यानी कि इसका मेननेट भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर ज़रूर आप थोड़ी रिसर्च करें। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसके बाद एक और चीज़ आपको जो बहुत ही जल्द मिलने वाली है वो है कि प्री मार्केट। तो 11 तारीख को 10 UTC पर इसका SCR USDT का पेयर लाइव हो जाएगा प्री मार्केट में। तो आप इसको जितनी भी आपके कॉइन्स मिल जाएंगे लॉन्च पूल के ऊपर, उनको आप बाय या सेल कर पाओगे। तो ये आपको सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन मिलता है, जो कि बाइनेंस के ऊपर ही मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे SCR टोकन की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही दिखा रहा है कि 2-2.5 दिन के बाद ये लिस्ट होने वाला है, जो कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आएगा, जो कि 3:30 दोपहर के बता रहा है कि 11 तारीख को 3:30 बजे यहाँ पे आ जाएगा। तो उस दिन ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर के साथ साथ यहाँ पे सारी एक्सचेंजेस के ऊपर हमें ये कॉइन मिलने वाले हैं। तो ये कॉइन जहाँ तक मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा। इससे पहले भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, जब भी आते हैं, जैसे कि टॉन कॉइन आया था, या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको मेन फ़ायदा आपको बता ही दिया, प्री मार्केट में आपको जो फ़ायदा होगा वो भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, यानी कि आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो यही थी डिटेल SCR के बारे में, स्क्रॉल के बारे में, बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में, जो कि अभी 60th लॉन्च पूल आ रहा है। तो अगर इस तरीके से रेगुलर लॉन्च पूल आते रहते हैं, तो हमें क्या कि फ्री में कॉइंस मिलते रहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे स्टे करना है BNB पूल में, FTST पूल में, तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि इसकी स्टेकिंग कल शुरू होने वाली है। तो इसका मैं लाइव स्टे करके भी आपको दिखा दूंगा कैसे स्टे करना है, कैसे अनस्टे करना है। इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही रहने वाला है। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हमने WZERX की बात करी, और WZERX के साथ साथ बाइनेंस लॉन्च पूल की बात करी। और हमें अभी उम्मीद मिल चुकी है कि WZERX का कितना अमाउंट हमें मिल सकता है, ये भी हमें थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद बनी है, जो देखते हैं रियल में ऐसा होता या नहीं होता, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो WARFTRADE चैनल को, ताकि आप तक मेरे आने वाली अपडेट्स भी हमेशा इसी तरीके से मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।